हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक बेस्टन का टीवी आया हुआ है जो कि 14 इंच का है, तो इसमें फॉल्ट क्या है तो चलते हैं और देखते हैं। ये हो गया हमारा टीवी का लाइन इन प्लो, तो इसको हम लाइन पर लगाते हैं। रेड बत्ती आ गया है, लगता है कि ईएस टीवी ऑन हो गया है। तो देखते हैं, लाइट लाइट भी आ गया है फ्रेंड्स, लेकिन धुंधला सा है। और इसमें क्या करेंगे कि हम ऑडियो वीडियो इन कर देखते हैं। ये हो गया हमारा वीडियो और ये दोनों हो गया ऑडियो का तार, तो इसको हम इन किए। और ये हो गया हमारा रिसीवर, तो रिसीवर को हम लाइन में लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा पिक्चर कैसा आ रहा है। तो लाइन आ गया रिसीवर पर, डीवी भी लिखा हुआ है, पिक्चर आया हुआ है फ्रेंड्स। लेकिन क्या है इसमें कि धुंधला सा है, कलर नहीं है और धुंधला सा है। तो चलते हैं और टीवी को ऑफ कर कर खोलते हैं, कैबिनेट को पीछे को और हटाकर हम चेंज करेंगे पहले बेस को। तो चलते हैं और देखते हैं। तो ये हो गया हमारा बेस, तो हम इसको हम ओपन करते हैं नेक पर से, सीआरटी के नेक पर से। तो ये हो गया हमारा छोटा नेक वाला है बेस, तो हम क्या करेंगे इस बेस को निकाल कर दूसरा बेस लगा कर देखेंगे। तो ये हो गया हमारा ईएसटी का तार जो कि फोकस वोल्टेज इन होता है, तो इसको हम सबसे पहले हटा दिए और इसको हम निकालते हैं। तो इसको सोल्डिंग पंप से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम बिना सोल्डिंग पंप को यूज कर निकालते हैं। तो चलते और निकालते हैं। ये हो गया, तो ये बेस था हमारा, तो इसको हम इधर रख देते हैं और दूसरा बेस को लेकर लगाते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा बेस, तो इसको हम लगाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जो ईएसटी से आया हुआ है फोकस वोल्टेज, तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कनेक्ट कर दिए, आए इसको लगा देते हैं हमारा पिक्चर ट्यूब के नेक पर। तो इसको हम लगा देते हैं। ये लग गया और इसको फिर हम लाइनिंग दे कर देखते हैं। ये हो गया हमारा लाइन इन का प्लोक, तो इसको लाइन इन दिए, लाइन आ गया है। और रिसीवर पर भी लाइन इन देते हैं। रिसीवर पर भी दिए, लेकिन ये हमारा फॉल्ट सेम ही है, इसमें और कुछ खराब है तो उसको भी हम देखेंगे ठीक कर कर। तो इसको सबसे पहले पिक्चर भी देख लेते हैं, सेम ही है। ये हमारा बेस खराब नहीं था, दूसरा भी बेस लगा है, प्रॉब्लम सेम है, तो इसमें और भी खराब है। तो चलते और देखते हैं, सबसे पहले इसको लाइन आउट कर देते हैं टीवी को और देखेंगे हम। तो टीवी को हम पीछे घुमाते हैं इस पर और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इसमें हमारा कलर का जो प्रॉब्लम जैसा लग रहा है, तो कलर के वोल्टेज को हम चेक करेंगे, कलर ट्रांजिस्टर पर कितना वोल्टेज जा रहा है। तो इसको नेगेटिव प्रोब पर रखें और यहाँ पर आ गया। सबसे पहले इसको हम 1000 के रेंज पर रखते हैं मल्टीमीटर को और चेक करते हैं। ये हमारा 124 वोल्टेज इन हो गया है, जो कि आपको दिखा दे रहा है 124 वोल्टेज इन हो गया, और इसमें आउट कर रहा है 125, 124। इस पर भी चेक देखते हैं, इस पर भी सेम है, इस पर भी सेम है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा ओके है। और इसको देखते हैं सिग्नल हमारा कितना बन रहा है अभी, ये तो अभी सेम है सिग्नल है, तो इसमें तो अभी खराबी होगा। तो क्या करेंगे कि इसको लाइन आउट करते हैं और देखते हैं हमारा ये कलर का ट्रांजिस्टर तो हमारा ओपन नहीं है,
ओपन जैसा लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ये हमारा है, ये मीटर का जो पिन है वो ओपन हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक बार सोल्डिंग कर देखते हैं। पिक्चर पर हमारा क्या आ रहा था, थोड़ा थोड़ा रिड्रेस लाइन भी आ रहा था ऊपर से। तो रिड्रेस लाइन आने का मतलब हो गया हमारा ये बेस किटी पर ही खराबी होगा। तो देखते हैं इसको हम सोल्डिंग कर कि हमारा ओपन हो गया था ट्रांजिस्टर जो कलर वाला था, तो इसको हम सोल्डिंग कर दिए और फिर क्या करेंगे इसको हम लगा कर चेक करेंगे। चलते और इसको लगाते हैं। तो इसको लगा दिए और एक बार और हम पिक्चर देखते हैं इसको घुमा कर। तो ये हो गया, इसको हम ऑडियो वीडियो भी दे देते हैं। और ये लाइन इन हो गया प्लॉक, तो इसको हम लाइन इन देकर देखते हैं। प्रॉब्लम अभी सेम है। तो क्या करेंगे हम इसको लाइन आउट कर फिर चेक करते हैं। तो एक बार और चेक करते हैं फ्रेंड्स, हमारा प्रॉब्लम अभी सेम है। तो मल्टीमीटर को यहाँ पर रखे और 1000 के रेंज पर रखे हुए 180 वोल्टेज को चेक करते हैं। यहाँ पर 43 वोल्टेज आ रहा है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम हो जा रहा है। इसका मतलब हमारा ये प्रिंट तो काटा उटा नहीं है कि। तो चलते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, जो ESC से लगा रहता है डायोड 180 वोल्टेज वाला, वहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है तो इस पर चेक करते हैं। इस पर तो वोल्टेज 172-175 आ रहा है, देखते हैं एक बार। 180 वोल्टेज आ रहा है, 180-181 वोल्टेज हमारा यहाँ पर इन आउट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर चेक करते हैं तो हमारा 44-41 वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये वोल्टेज मिस है, जो 180 वोल्टेज इन होता है इसमें फेस किट पर, तो ये हमारा इन नहीं हो रहा है, लीकेज हो गया है इसका प्रिंट। तो चलते हैं और 180 वोल्टेज डायरेक्ट इस पर जोड़ कर देखते हैं। तो सबसे पहले इसको लाइन आउट कर दिए और देखते हैं। तो यहाँ पर है जो डायोड लग कर आउट किया हुआ है, तो ये वाला हो गया हमारा डायोड का 180 वोल्टेज। और इसको हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पर लेकर जोड़ देते हैं। 180 वोल्टेज हमारा यहाँ पर इन हो गया। अब देखते हैं इसको वोल्टेज देकर कि हमारा 180 वोल्टेज इन हुआ कि नहीं हुआ। तो लाइन पर लगा दिए और मल्टीमीटर को यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं हमारा 180 वोल्टेज इन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर 180 वोल्टेज आ गया। अब देखते हैं इसके 175 वोल्टेज, 177 वोल्टेज, ये तीनों रेजिस्टेंस के आउटपुट पर वोल्टेज हमारा मिल गया है। 126 आ रहा है, इस पर 175 आ रहा है, इस पर भी 177 आ रहा है, लेकिन इस पर 125-26 आ रहा है। तो चलते हैं एक बार उस पर पलटा कर देखते हैं हमारा पिक्चर ओके हुआ कि अभी कोई फॉल्ट है। तो इसमें हम वीडियो इन देते हैं। तो हमारा पिक्चर ओके हो गया है, देखिए फ्रेंड्स हमारा पिक्चर ओके हो गया है। थोड़ा लाइट को हम कम कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा इसमें मिस हो गया था कौन सा वोल्टेज, 180 वोल्टेज जो कि लीकेज हो गया था, जो कि ESC से 180 वोल्टेज आउट करता है, वो वोल्टेज हमारा लीकेज हो गया था। तो उस वोल्टेज को हम डायरेक्ट कर दिए तो हमारा पिक्चर एकदम ओके हो गया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।